Hello everyone, welcome to PYQs. Here we are solving IAS 2020 question. So, ye sawal kya hai? This question says, find the equation of cylinder whose generators are parallel to the line. This, whose guiding curves are, curve is given by this. Okay? So, ye toh bahut hi asaan sawal. Aisa cylinder hai. Iske generators kuch parallel aise hue hain. Theek hai? तो अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट x1, y1, z1 लें और तो ये जो कर्व की इक्वेशन यहाँ से गिवन है तो हम क्या कर रहे हैं, लेट जनरेटर की लाइन लिख रहे हैं इसके पैरेलल x-x1, y-y1 by -2, z-z1 by 3। अब क्या है, ये जो जनरेटर है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी, z इक्वल टू 2 दिया हुआ है और कुछ पॉइंट x1, y1 मान लो, जो भी पॉइंट कुछ अल्फा बीटा मान लो यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। मैं यहाँ डायरेक्ट एक्स वाई ले लेता हूँ, तो अगर जेड इक्वल्स टू 2 रखे तो यहाँ पे जो अल्फा कॉमा बीटा आएगा वो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्स वन, यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं 2 रख दें तो एक्स वन प्लस 2 - z1 by 3। ओके, इसी तरह बीटा क्या आ जाएगा, बीटा विल बी y1 - 2 times of 2 - z1 by 3, करेक्ट। तो अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं, अब हमें क्या, ये अल्फा बीटा क्या x² + y² = 4 को सेटिस्फाई करेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, x + 2 - z1 by 3 का होल स्क्वायर प्लस, और क्या है बीटा की वैल्यू, y1 - 2 × 2 - z1 by 3 का होल स्क्वायर = 4। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे, 3 इधर मल्टीप्लाई किया तो 3x1 और x1, y1, z1 का तो हमें लोकस ही निकालना है, तो इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे xyz से, तो ये हो गया 3x1 को हम 3x लिख देते हैं, माइनस z प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से भी 3 का मल्टीप्लिकेशन तो 3y और यहाँ से हो गया प्लस 2z माइनस 4 का होल स्क्वायर और ये 9, ये हो गया 36। ओके, तो ये रहा हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन यहाँ पे, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द एलिप्सॉइड विच पासेस थ्रू द लाइन गिवन बाय दिस। तो हमें टेंजेंट प्लेन फाइंड करना है एलिप्सॉइड का, तो एलिप्सॉइड के टेंजेंट प्लेन की कंडीशन l² अच्छा बिना कंडीशन के करते हैं, सपोज हमें कंडीशन याद नहीं है, तो मान लेते कुछ x1, y1, z1 पॉइंट है इस पे, तो हम टेंजेंट प्लेन कैसे लिखेंगे, 2x(x1, 6y(y1) + 3z(z1) = 27। ठीक है, ये इक्वेशन वन हो गई। अब देखो, अब हमें क्या बोल रहा कि यहाँ से लाइन पास कर रही है तो x - +2z - 9 और प्लस लैम्डा टाइम्स, इस लाइन से अगर कोई प्लेन पास कराए तो ऐसा इक्वेशन होगा, इसको सॉर्ट आउट करते हैं, 1 + λ × x, माइनस कॉमन ले अगर तो हमारे पास 1 + λ × y और प्लस 2 - λ × z - 9 = 0। ओके, अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज 27। तो अब हम अगर कंपेयर करें इनको तो हमें मिलता है क्या, 1 + λ/2x1 - 1 + λ/6y1 और 2 - λ/3z1 और ये -9 9 9 मतलब 27 by 9 by 27, तो 1/3। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से अगर x1 y1 z1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको हम पुट कर देंगे इस इलिप्स की इक्वेशन, इलिप्सॉइड की इक्वेशन में और हमें लैम्डा मिल जाएगा। कैसे, चलो यहां से x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 का इधर मल्टीप्लाई हुआ और फिर हमें मिला x1 की वैल्यू मिल गई 3, 1 + λ/2 और y1 की वैल्यू मिल गई, y1 की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस ये 2 17 नीचे λ 1/2, तो λ/2 मिल गया। ठीक है, और z1 की वैल्यू हमें 2 - λ3 थी, कैंसिल हो गया। अब इसको हम x² कौन सा एलिप्स का इक्वेशन क्या है, एलिप्सॉइड का इक्वेशन है 2x² + 6y + 3z² = 27। यहाँ पे हम रखेंगे तो हमने रख दिया कैसे, 2 * इसका स्क्वायर करेंगे
थ्री इंटू वन प्लस लैम्डा बाई टू का होल स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू माइनस माइनस, तो स्क्वायर में कैंसिल आउट हो जाएगा, का होल स्क्वायर इंटू थ्री टाइम्स ऑफ टू माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल टू 27। अब देखो आप इसको आप हम कैसे कर सकते हैं, टू का एक टू यहाँ से कैंसिल और थ्री का ये थ्री कैंसिल, तो थ्री कैंसिल दिस, यहाँ टू आ जाएगा, अब ये थ्री दिस इज नाइन। नाउ आई हैव गॉट दिस एज लैम्डा स्क्वायर और ये फाइव, तो फोर लैम्ब फोर टाइम्स ऑफ वन प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर बाई टू, मतलब कि ये टू। ओके रेज दिस, तो ये हो गया टू, और फिर क्या इसको लैम्डा माइनस टू का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू नाइन लिख सकते हैं। अब इसको करेंगे जब हम, तो लैम्डा स्क्वायर तो यहाँ पे हमें आया लैम्डा स्क्वायर और ये थ्री लैम्डा स्क्वायर, करेक्ट थ्री लैम्डा स्क्वायर, और वो तो कैंसिल हो गया, और प्लस फाइव नो सिक्स इक्वल्स टू नाइन, तो थ्री लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू थ्री, और लैम्डा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस वन, तो लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस वन आ गई। और अब हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रखेंगे प्लस माइनस वन, तो हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगे। तो जब लैम्डा की वैल्यू रखते हैं हम प्लस वन, और जब लैम्डा की वैल्यू रखते हैं माइनस वन, तो हमें दो इक्वेशन मिलते हैं। लैम्डा की वैल्यू प्लस वन रखने पे हमें इक्वेशन कौन सा मिल रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू प्लस वन रखा तो टू एक्स माइनस टू वाई एंड प्लस जेड माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो, तो ये एक इक्वेशन हो गया। और माइनस वन रखें अगर तो हमें ये जीरो और ये भी जीरो, और ये थ्री जेड माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो, मतलब थ्री जेड इक्वल्स टू थ्री। सो दीज आर द टू रिक्वायर्ड इक्वेशन। थैंक यू।